हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी महावीर जयंती, और आशा करते हैं आप लोग का भी पूजा हो गया होगा। मेरा भी पूजा हो गया है और अभी हम भगवान जी के रूम में ही बैठे हुए हैं, तो आप लोग से दिखा रहे हैं। सो दोस्तों, देखिए मेरा पूजा हो गया है और हम पूजा करके सोचे ब्लॉग थोड़ा शूट करते हैं, तो अब यहीं बैठे हुए हैं और तुलसी जी को जल उल हम दे दिए। सोच रहे हैं मंदिर चले जाएं, तो देखते हैं। अभी रॉकी नहाए नहीं है, वो काम हम कर रहे हैं कुछ अपना, तो वो रेडी हो जाएं तो उनके साथ मंदिर चले जाएंगे हम। और उनको भी पूजा करने जाना है, अगर लेट हुआ तो हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वो भी अकेले चले जाएंगे। और अभी अभी हम प्रसाद में चढ़ाए थे ये मिसली में इलायची दाना वाला वो, और क्या बोलते हैं, शाम को लड्डू का भोग लगाएंगे क्योंकि आज मंगलवार है और महावीर जयंती भी है, तो लड्डू लाएंगे लोग, तो शाम को भोग वही लगेगा। और आप लोग बताइएगा मेरे भगवान जी कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और अभी हम चल रहे हैं अपने किचन में। सो दोस्तों, अभी हम अपने किचन में चल रहे हैं अपना ड्यूटी ऑन करने। खाने में हम बनाना है मेरे को आलू पराठा का मसाला तैयार करके ही हम रेडी हुए थे, और हरी चटनी और हरी चटनी और आलू पराठा बनाना है, और उसके बाद से हम बनाएंगे तो दोपहर में चावल सब्जी या दाल जो भी बनेगा। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं काम करने अपना किचन का, क्योंकि वो पूजा वूजा करके नाश्ता करेंगे और आज महावीर जयंती है तो छुट्टी भी है। तो चलिए चलते हैं किचन में, आप लोग इसे दिखाते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, जो जो नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग मेरा आने वाला है। तो एक काम मेरा करने लो, सब्सक्राइब कर देना लो प्लीज़। तो चलिए अभी किचन में चल के आप लोगों से दिखाते हैं। तो हेलो एवरीवन, सो दोस्तों हम किचन में आ चुके हैं और किचन में आके हम यहाँ पे बना रहे हैं हरी अभी धनिया पत्ता हम इतना ही निकालेंगे और निकालना है। ये हम पहले से काट के रखे थे ना, तो इस फ्रिज में रख दिए, थोड़ा सा एक गल गया है, इसको फिर हमसे धो लेंगे और धनिया और निकालेंगे हम, और ये सब हटाएँगे सिलवट्टे पर हम पीसेंगे वो चटनी सब इधर हटाएँगे। और यहाँ पर हम आटा गूँथ के रख दिए हैं, घी निकाल के रख दिए हैं, और यहाँ पर हम मसाला बनाए हैं, दिखा दे रहे हैं आप लोगों से। मेरा मसाला तैयार है आलू पराठा, और यहाँ आटा गूंथ के रख दिए हैं। आटा हम गूंथ के रख दिए हैं, अब बस मेरे को बनाना है। वो नहा का पूजा करेंगे तो बनाएंगे, और तब तक हम चाय अपना बनाएं, चाय पियेंगे क्योंकि मन हो गया अब चाय पीने का, मेरा ज़्यादा लेट हो गया। तो चलिए हम अपना चटनी पीस लें और ब्लॉग भी बनाते रहेंगे और रील भी बनाते रहेंगे, मेरा काम भी होते रहेगा। तो इधर इसको हम साइड में करेंगे क्योंकि यहाँ सिलवट्टा रखेंगे। तो चलिए काम कर लें, फिर आप लोगों से हम दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे ये मिर्च और ये क्या बोलते हैं लहसुन धनिया पत्ता, और यहाँ पर धनिया पत्ता निकाल दिए हैं, और यहाँ चार और अदरक, नहीं तो अदरक भी डालते हैं। और अभी हम जा रहे हैं चटनी पीसने, और इधर का जो सामान इधर हटा दिए हैं क्योंकि जगह नहीं था, तो हटा के यहाँ पे रखे हैं। तो चलते हैं पीस लेते हैं इसको हम। दोस्तों मेरा आलू पराठा एक ये भर के बेल दिए हैं, इसमें भर के रखे हैं, और एक यहाँ बन रहा है और वो पूजा कर रहे हैं, तो जैसे हम बनाते हैं। और अभी चाय मेरे को बनाना, चाय नहीं बना पाए, जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना सुबह में, वही लेट करते हैं, कह रहे हैं कि ऐसे कर लो ये कर लो। हरी चटनी बनाना नहीं थे मगर सोचे कि बना ही देते हैं, जब टाइम है तो बना देते हैं, तो बना दिए। और मेरा यहाँ पे ये इसमें भर के बनाए हैं, तो बन रहा है मेरा ये। चले तब तक हम बना लें, फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों आलू पराठा चटनी तैयार, हम लोग का मीठा चटनी हरा चटनी, और यहाँ पर मेरा चाय बन रहा है। तो अब हम लेके जाएंगे खाना अपना, और वो बैठे हैं हॉल में, तो चलिए खाना लेके चलते हैं। जबरदस्ती तो बालकनी में अपने कपड़े डाल दिए हैं, और यहाँ तुलसी जी का पूजा किया था, प्रसाद वसाद रखे हैं, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करने। वीडियो मेरा शूट हो चुका है,
और बहुत कड़ी धूप निकली हुई है, तो अभी हम थोड़ा सा सोएंगे। देखिए बालकनी में इतना धूप आया है, आ रहे हैं थोड़ा सा सोने और वो अपने काम पे चले गए हैं बाहर। छुट्टी फिर भी कोई काम आया है तो गए हैं बाहर वो, और अभी हम आराम करेंगे थोड़ा सा। मेरे को नींद लग रही है, सुबह उठेंगे तो खाना बनाएंगे, सब्जी चावल और दाल। दाल देखते हैं बनाते हैं नहीं, दाल तो हम भी नहीं खाते, दाल वो भी नहीं खाते, देखेंगे। फिलहाल चले थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। सो दोस्तों शाम हो चुकी है और दोपहर का खाना पीना हम लोग को हो गया था, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट किए हैं, फिर मंदिर गए थे हम, और मंदिर से आए तो ये सब्जी लेने चले गए, और सब्जी में ये लेकर आए हैं, आप लोग से दिखा रहे हैं। ये तरोई लिए हैं, ये घेवड़ा, हम लोग तो घेवड़ा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसे, घेवड़ा बोलते हैं, नेनुआ भी बोलते हैं और तरोई भी बोलते हैं लोग, मगर तरोई तो हम लोग इसको बोलते हैं, मगर यहाँ पे तो इसको तरोई बोलते हैं लोग। और ये लाल मिली है, देखिए लाल मिली कितना अच्छा है, लाल है पूरा। और ये लौकी घिया, और ये फूट लिए, फिर से ये मिक्सचर लिए अपने लिए, ये मिक्सचर खाते हैं तो मिक्सचर लिए, और खीरा लिए लो, टमाटर, और ये पनीर है। बोले कि पनीर बना देना, क्यों हनुमान जयंती है तो खीर बनेगा, तो पूड़ी और पनीर का सब्ज़ी खीर बनेगा। और ये परवल 250 ग्राम लिए लो इसको भर के बनाने के लिए, और ये अंगूर। तो हम लोग इतना सारा आज शॉपिंग हुआ हम लोग का, और बूंदी मंगाए हैं ऑनलाइन भगवान जी का भोग लगाने के लिए। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं चाय चढ़ाने, क्योंकि बोल रहे हैं चाय बनाओ, चाय पीना है, सर दर्द हो रहा है, चलते हैं उनको चाय बना के देते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर दूध लेने जाएंगे नीचे। दूध लेने जाना है ना, जाना है। और अभी हम चलते हैं, इसको सारा फ्रिज में लगा लें, उसके बाद चाय पीते हैं, फिर जाएंगे दूध लेने नीचे। तब तक हम अपना खाने का तैयारी वारी करेंगे। क्या चाहिए? दूसरे डब्बा में रखते हैं, वो वाला में, छोटा मुंह वाला में, छोटा मुंह वाला में थोड़ा, थोड़ा सा। अच्छा छोटा वाला डब्बा है, इसमें नहीं है, इसमें एक बड़े मुंह वाला है, ये इसमें का है, दो ऊपर वाला। हाँ मिक्स कर दीजिए, चम्मच नहीं डाल दीजिए। चाय बनाए ना, चाय। सो दोस्तों हम लोग का शाम का पूजा हो गया, और हम लोग हनुमान जी को भोग लगाए हैं, बूंदी बूंदी मंगाए थे तो बूंदी का भोग लगाए, और अभी हम खाने में बना रहे हैं पनीर का सब्जी, पूड़ी और खीर। आप लोग तो बताए थे, तो हम उसका कटिंग वटिंग सब कर लिए हैं, पनीर प्याज लहसुन वसन अदरक उदरक सब कटिंग वटिंग कर लिए हैं। तब तक लोग बोले प्रसाद खा लो, प्रसाद तो हम खाएँ, उसके बाद अंगूर लाओ, अंगूर खाते हैं। तो अंगूर अभी हम लेके आए हैं, धो के तोड़ के धो के लाए हैं, अभी अंगूर खन जाएंगे। और रॉकी अभी वो कर रहे हैं हनुमान जी का गाना बजा के आ रहे हैं, तो ये खाएंगे अब अंगूर, उसके बाद ही जाएंगे दूध लेने। दूध आएगा ना, तो अरे दूध लेने जाएंगे, फिर हम भी चले जाएँ, शाम हो गया था, सुबह घुमाते हैं अभी नीचे से, तो जाएंगे हम भी। अब चलते हैं प्रसाद खाते हैं, ये लेके आए हैं बूंदी और अंगूर खाते हैं। अंगूर खा ली तब खाए ना, मीठा नहीं लगेगा फिर अंगूर। उसी में आया था, ऑनलाइन मंगाए थे, और चलते हैं अंगूर खाने, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। हम खाना बना रहे हैं तो किचन में ले चलते हैं, दिखाएंगे आप लोगों से, और आप लोग कैसे, आप लोग का पूजा इसका कैसा गया कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? ठीक है, हैं कहिए, कुछ कहना चाहते हैं? आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपके कष्टों को हरे और हमारे भी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों तो ये देखिए, इनसे हम थोड़ा सा गुस्सा हुआ था ना, देखिए क्या बना रहे थे हाथ पे, देखिए दिख गया था, आप दिखा दे रहे क्या बना रहे, ये क्या बना रहे थे आप, हार्ट बीट बना रहे थे, कितना चल रहा है, है? और यहाँ पे शक्ल बनाए थे ना, तो अपना हाथ खींच लिया, क्या बना रहे थे, क्या मन में था, हैं?
हार्ट बीट तो सभी बनवाते हैं, मैंने फेफड़ा बीट बनाया हूँ। फेफड़ा भी थोड़ी होता है इनकी बात होती है, इनकी बात है आसमान की छूती है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे खाना बनना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम कर रहे हैं प्याज फ्राई और यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिए हैं, 1.5 kg दूध लाए थे लो और यहाँ पे हम पनीर कटिंग कर लिए हैं और ये जो है ना दिख रहा है इस छोलनी का मुझे पे रख दे रहे हैं, इसकी ओली वली दिख रहा है और अपना मसाला निकाल दिए हैं। जब ये फ्राई हो जाएगा तो अपना डालेंगे। तो अभी बन रहा है, अभी चावल ज़्यादा धो के जा रहे हैं, इसमें हम डाल लें खीर के लिए, वो बोले थे थोड़ा सा खीर थोड़ा ज़्यादा बनाना, सुबह में खाएंगे तो थोड़ा सा हम ज़्यादा ही बना रहे हैं, वो ठंडा खीर खाते हैं। तो चलिए बनाए खाना हम, और आप लोग क्या खाना आज बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों मेरा खीर हो गया तैयार और आप लोग उसे दिखा दें एक बार मेरा खीर। इसमें हम कुछ डाले नहीं हैं ड्राई फ्रूट्स क्योंकि हम नहीं खाते हैं, और ये तैयार हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं और वो खा लिए हैं इसलिए मैंने नीचे दिख रहा है वो, और अभी हम जा रहे हैं पूड़ी वूड़ी तलेंगे। और यहाँ पे मेरा सब्ज़ी सब्ज़ी तैयार है, तो अभी चलते हैं हम पूड़ी बनाने, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और हम थक गए हैं, रात होते होते बहुत थक जाते हैं हम, क्योंकि काम एडिटिंग वीडियो डालना 5-6 एप्लीकेशन पे दिन निकल जाता है मेरा पूरा ऐसे ही। तो चलिए चलिए चलते हैं पूड़ी बना लें, उसके बाद आप लोगों से थोड़ा सा मिलेंगे, उसके बाद ब्लॉग को हम एंड करेंगे। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। सो दोस्तों खाना हम लोग आ चुका है हॉल में और ये खा रहे हैं और टेस्ट करके बताएंगे खाना कैसा हुआ है। कैसा हुआ है ऐसे क्या होता है और अब हम जा रहे हैं खाने। आप लोग बताइएगा आप लोग आज खाने में क्या बनाए थे। हम लोग का तो आज सुबह में बना था आलू पराठा, फिर दोपहर में चावल सब्जी और पपरा, इनके लिए पपरा, मेरे लिए चावल सब्जी, और अभी तो ये बनाए। तो अभी चलते हैं खाने। सो दोस्तों इस ब्लॉग के यहीं पे एंड कर रहे हैं, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।